जय हिंद स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ चैप्टर वन ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द थ्री स्टेट्स, महाराष्ट्र, केरला, बिहार. पर कैपिटा इनकम, रिमेंबर द टर्म पर कैपिटा इनकम, दैट इज एवरेज इनकम. सो पर कैपिटा इनकम ऑफ महाराष्ट्र 1,70,091 रुपीज़, एंड केरला 1,03,820 रुपीज़, and Bihar 31,199 rupees, and this started around 2013 or 2014. Now next is infant mortality rate, IMR. It means it indicates number of children that die before the age of 1 year, 100 live births in that year. Sorry, 1000 live births in that year. मीन्स एक साल में 1000 बच्चे में से कितने बच्चे जो थे वो डेथ हो गई उनका 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले. सो IMR, सो महाराष्ट्र में 1000 बच्चों में से 24 बच्चों की डेथ हो गई बिफोर 1 ईयर, केरला में 12 और बिहार में 42. नाउ नेक्स्ट इज लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट ऑफ महाराष्ट्र 82%, केरला 94% एंड बिहार 62%. Now net attendance ratio, it means percentage of children attending school of age group 14 to 15 years. Means इस age group में 14-15 years के age group में कितने percent of children हैं जो school attend कर रहे हैं, that is known as net attendance ratio. So net attendance ratio of Maharashtra 64%, Kerala 78%, 35% of Bihar. Now see, इफ़ यू टॉक अबाउट पर कैपिटा इनकम, सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम जो है वो महाराष्ट्र की है, तो महाराष्ट्र फर्स्ट होना चाहिए, बट केरला फर्स्ट है. वाई? बिकॉज एज वी हैड डिस्कस अर्लियर ऑल्सो कि मनी कैन नॉट बाय ऑल थिंग्स, मटेरियल थिंग्स एंड नॉन मटेरियल थिंग्स बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. तो अगर हम बात करें IMR की, तो वो ज़्यादा लो है केरला में, लिटरेसी रेट ज़्यादा हाई है केरला में, नेट अटेंडेंस रेशियो भी केरला का ज़्यादा हाई है. तो ज़्यादा अच्छा कौन सा स्टेट हुआ? केरला. अगर हम देखेंगे तो दोनों में बहुत डिफरेंस है पर कैपिटा इनकम में, बट फिर भी केरला फर्स्ट नंबर पे है, रैंक पे है. व्हाई? बिकॉज अदर फैसिलिटीज़ आर आल्सो देयर एंड बोथ द थिंग्स नीडेड फॉर द डेवलपमेंट. एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि हम किसी भी ऐसी जगह नहीं जाना चाहेंगे, जैसे हमने बात करी थी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की, वहाँ पे शायद बहुत सारी इनकम हो बट कोई फ्रीडम नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो हम उन कंट्रीज़ में जाना अवॉइड करते हैं, चाहे फिर हमें कितना भी अच्छा पैकेज क्यों ना मिल रहा हो. दैट्स वाई ऑन दीज फैक्टर्स केरला इज ऑन द फर्स्ट रैंक. सो टू इम्प्रूव थिंग्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, वी मस्ट कम टुगेदर टू अचीव ग्रेटर गुड. इन सबको बेटर करने के लिए हम सबको एक साथ आना होगा, सबको कम्युनिटी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट करना होगा. कम्युनिटी डेवलपमेंट मतलब सब एक साथ आके डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक एक साथ सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी तब तक प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी. फॉर एग्जांपल, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं अम्बानी का. अम्बानी इज़ द रिचेस्ट वन राइट इन इंडिया, रिचेस्ट वन. बट अगर मुंबई की जो रोड्स हैं अगर वो ख़राब हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, तो अंबानी की कार भी उन्हीं गड्ढों में से ही निकलेगी. डजेंट मैटर कि उसकी कार कितनी कॉस्टली है. इसलिए डेवलपमेंट ज़रूरी है, वो सभी के लिए बेनिफिट है. सो नाउ व्हाई केरला हैज़ बेटर IMR, IMR इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट. सो व्हाई केरला हैज़ बेटर IMR इवन विद लो पर कैपिटा इनकम. केरला की इनकम तो इतनी लो है बट वहाँ पर बेटर IMR क्यों है? बिकॉज वहाँ पर प्रॉपर नंबर ऑफ क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जिससे लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता है. केरला में गुड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मीन्स जो फूड है वो अच्छी क्वालिटी का वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है. PDS सिस्टम मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वहाँ पर प्रॉपर केरला में फूड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और अच्छा फूड डिस्ट्रीब्यूट होने से लोगों की हेल्थ भी अच्छी है. वहाँ पर प्रॉपर नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं और स्कूल्स हैं, जिससे सारे लोग जो हैं वो बच्चे स्कूल्स और कॉलेजेस जा सकते हैं, इसलिए वहाँ का केरला का बेटर IMR है. नो नेक्स्ट इज बॉडी मास इंडेक्स. बॉडी मास इंडेक्स हाउ वी फाइंड आउट? वेट अपॉन हाइट स्क्वायर. मीन्स जितना हमारा वेट है उसको हम डिवाइड करेंगे अपने हाइट के स्क्वायर से. वेट kg में होना चाहिए और हाइट आपकी मीटर्स में.
तो अगर हमारा बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 18.5 से कम आता है, इट मींस हम अंडर नरिश्ड हैं, मींस हमें और ज़्यादा ज़रूरत है नरिशमेंट की, और ज़्यादा ज़रूरत है हमें फूड लेने की, जिससे हम गुड फूड ले सकें और हमारा जो हेल्थ कंडीशन है वो अच्छी हो सके। बट अगर हमारा 25 से ज़्यादा है, इट मींस हम ओवरवेट हैं, और अगर 18.5 से और 25 के बीच में है, इट मींस नॉर्मल। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग BMI। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इट मींस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या होता है, कंट्रीज़ को रैंक दी जाती हैं उनके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। तो उसमें मेनली वो देखते हैं हेल्थ, एजुकेशन, लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, वी हैड डन इन क्लास 9th ऑल्सो, इन क्लास 8th ऑल्सो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स दैट अ न्यू बॉर्न कुड एक्सपेक्ट टू लिव। जो एक नया बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, तो एक हम एक मान के चलते हैं कि इस बेबी की, मतलब इस बच्चे की इतनी लाइफ होगी। तो इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है आपकी 68 ईयर्स, और इंडिया की रैंक जो थी वो है 130, बट श्रीलंका की हम देखें तो 73 है, जबकि श्रीलंका कितना छोटा सा देश है, इंडिया तो कितना बड़ी कंट्री है। बट बिकॉज वहाँ पर ज़्यादा बेटर कंडीशंस हैं, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, पर कैपिटा इनकम अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, हेल्थ सिस्टम अच्छा है। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ज़्यादा अच्छे हैं वहाँ पे, दैट्स वाई श्रीलंका इज़ हैविंग 73 रैंक। डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। मीन्स डेवलपमेंट जो हो वो एनवायरनमेंट उससे हार्म नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। सो नाउ HDI हैज़ 3 इंडिकेटर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स दैट अ न्यू बॉर्न कुड एक्सपेक्ट टू लिव, अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट आपका है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन स्कूल एट सेवरल डिफरेंट ग्रेड लेवल्स। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में कितने बच्चे एनरोल हुए हैं जो स्कूल जाते हैं, वो होता है आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। नेक्स्ट आपका पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम हमने डिस्कस किया था। सो हम इन तीनों को ऐड करते हैं एंड डिवाइडेड बाय 3, वी गेट द HDI। उसके अकॉर्डिंग कंट्रीज़ को रैंक मिलती हैं, और ये किसने प्रिपेयर किया है, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट नेटवर्क, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क, एंड द फुल फॉर्म ऑफ UNDP इज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो इन दिस चैप्टर वी हैड डिस्कस अबाउट द एवरेज इनकम, मीन्स पर कैपिटा इनकम कितनी होती है, HDI क्या होता है, मटेरियल थिंग्स, नॉन मटेरियल थिंग्स, मीन्स बोथ द थिंग्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अ गुड लाइफ, बिकॉज मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग और मनी कैन नॉट बाय ऑल थिंग्स। तो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अच्छी लाइफ जीने के लिए। सो दैट्स वाई दिस चैप्टर नेम इज़ डेवलपमेंट। सो हियर द चैप्टर इज़ फिनिश्ड। Note down all the points in your notebook, fair notebook, and send it to me. And do NCERT questions in your fair notebook. Thank you.